नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ साइलेंट लेटर्स वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे साइलेंट लेटर्स वर्ड्स। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ शब्दों में लेटर लिखे जाते हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं, उन्हीं शब्दों को हम साइलेंट लेटर्स वर्ड कहते हैं। तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा लेटर साइलेंट है। तो आज की वीडियो में तीन चार लेटर बताऊंगा आपको जो शब्दों में साइलेंट रहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पहला नियम ये है कि जब किसी शब्द के अंत में एस सी एल ई होगा तो उसमें सी साइलेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, किसी शब्द के अंत में एस सी एल ई होगा उसमें सी साइलेंट रहता है। जैसे कि कॉर्पसल, कॉर्पसल के अंत में एस सी एल ई आया है और इसमें सी साइलेंट है, इसलिए इसे कॉर्पसल पढ़ा जाएगा और कॉर्पसल मिस होता है कनिका। मसल, मसल शब्द के अंत में एस सी एल ई आया है इसलिए इसमें सी साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे मसल पढ़ा जाएगा और मसल मिस होता है मांसपेशियां। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस शब्द में आपको सी साइलेंट करना है। जिस शब्द के अंत में एस सी एल ई होगा वहाँ पर सी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। दूसरा रूल्स ये है दोस्तों, जब किसी शब्द के शुरू में पी एन या पी एस होता है वहाँ पर पी साइलेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी शब्द के शुरू में पी एन या पी एस होगा वहाँ पर पी साइलेंट रहता है। जैसे कि निमोनिया, निमोनिया पी एन से शुरू हुआ है और यहाँ पर पी साइलेंट है, इसलिए इसे निमोनिया बोला जाएगा और निमोनिया मीन्स होता है निमोनिया या एक प्रकार का बुखार। शाम, शाम शब्द भी पी एस से शुरू हुआ है और इसलिए यहाँ पर पी साइलेंट है, इसलिए इसे शाम बोला जाएगा और शाम मीन्स होता है भजन। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द भी पी एस से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पर पी साइलेंट है, इसलिए इसे साइकोलॉजी बोला जाएगा और साइक्लो मीन्स होता है मनोविज्ञान। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पी आपको कब साइलेंट करना है। जब कोई शब्द पी एस या पी एन से शुरू होगा वहाँ पर पी साइलेंट रहता है। तो दोस्तों, आज के बाद आप जब भी पढ़ें अंग्रेजी के कोई शब्द और उसमें पी एन या पी एस से शब्द शुरू हो तब वहाँ पर पी साइलेंट रहता है। तीसरा रूल से हमारा, जब किसी शब्द के शुरू में आर एच दिया हो तब एच साइलेंट रहता है। जैसे कि राइम, राइम शब्द आर एच से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट है, इसलिए इसे राइम बोला जाएगा और राइम मीन्स होता है तुक। रिदम, रिदम शब्द भी आर एच से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट है और इसलिए यहाँ पर रिदम बोला जाएगा और रिदम मीन्स होता है ताल। रेट्रिक, रेट्रिक शब्द भी आर एच से शुरू हुआ है और यहाँ पर एच साइलेंट है, इसलिए इसे रेट रिक पढ़ा जाएगा और रेट रिक मीन्स होता है वक्रपट का। रैप्सडी, रैप्सडी भी आर एच से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए इसे रैप्सडी बोला जाएगा और रैप्सडी मीन्स होता है असंगवद काव्य। तो अब आप समझ गए होंगे कि एच साइलेंट कब रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों, अन्य शब्दों में भी एच साइलेंट रहता है, जैसे कि एयर, इसे एयर बोला जाएगा, इसे हेयर नहीं बोला जाएगा और एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है इसलिए इसे ऑनेस्ट बोला जाएगा, इसे होनेस्ट नहीं बोला जाएगा,
क्योंकि इसमें एच साइलेंट है इसलिए इसे ऑनेस्ट बोला जाएगा। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। आवर, आवर मीन आवर में भी एच साइलेंट है इसलिए इसे आवर बोला जाएगा और आवर मीन्स होता है घंटा। ऑनर, ऑनर में एच साइलेंट है इसलिए इसे ऑनर बोला जाएगा, इसे होनर नहीं बोला जाएगा और ऑनर मीन्स होता है आदर या सम्मान। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किन शब्दों में कौन सा लेटर साइलेंट करना है। इस वीडियो में आपने जाना कि जब किसी शब्द के अंत में एस सी एल ई होता है तब सी साइलेंट रहता है। दूसरा रूल से आपने जाना जब कोई शब्द पी एन या पी एस से शुरू होता है तब पी साइलेंट रहता है। तीसरा रूल से आपने जाना कि जब कोई शब्द आर एच से शुरू होता है तब एच साइलेंट रहता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सा शब्द आपको साइलेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कौन से शब्द में कौन सा लेटर साइलेंट रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।